महादेव की अर्धांगिनी शैल से निकलती है, पत्थरों से, पार्वती शैलजा। ये जो भूमिजा है, ये जो मंगला है, ये जो अयोनिजा है, ये नारायण के वामांग में बैठने के लिए जल से निकलती हैं, जलजा नीरजा, नीर से प्रकट होती हैं लक्ष्मी जी। ये पद्मजा हैं, ये पद्म पत्रों से निकलती हैं, जल कणों से निकलती हैं। जल आदि सत्ता है, बिना जल के रह नहीं पाओगे। जल माने प्राण सत्ता। अब बिना अन्न के तो रह सकते हैं, बिना जल के नहीं रह सकते। नीर अधिष्ठात्री देवी हैं, प्राण सत्ता जिनके पास है, जो प्राण के अधिपति हैं, श्वासों की स्वामिनी हैं। प्राण जिनसे पैदा होते हैं, जो प्राण पैदा करती हैं, चेतना पैदा करती हैं, जो जीवन देती हैं, जो रचना करती हैं, सृजन करती हैं, वो सीता है। सीते से सीता बनी, हल सोने के हल से, जब धरती को हल से चलाया गया वर्षा के लिए, शिवाभिषेक के लिए, कुंभ में सीता निकली। अयोनिजा धरती से प्रकट हुई है, भूमिजा है, ऐसी वो पराम्बा सीता मिथिला में। मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञे परम धर्मिष्ठस्त्र यस्यामहे वयम्। हे राम, हम मिथिला चल रहे हैं, जहां सब लोग यज्ञ करते हैं, यहां सब धर्मात्मा है, वहां सब पोतात्मा पवित्र आत्मा है, वहां प्राय सब ज्ञानी हैं, वहां सब के सब संकल्प बल से जीते हैं, उन जैसी विद्या विभूति सौंदर्य, उन जैसे संस्कार किसी के नहीं है, वे अत्यंत महान है। जहां जगदम्बिका प्रकट हुई है, तद्धिम पूर्व नरश्रेष्ठ दत्तम सदसि देवतहि अप्रमेय बलम घोरे मखे परम भास्वरम। देवता चुपके चुपके प्रणाम करने जाते हैं, वहां ना धनुष रखा हुआ है महादेव का, महादेव की संपूर्ण शक्तियां विभूतियां जहां सुरक्षित हैं, जिस स्थान पर वो जनक हैं। जनक के पास न केवल शिव का धनुष है, शिव की विभूतियां भी हैं। विभूति जानते हो किसे कहते हैं? हमारे महात्मा बभूत लगाते हैं, विभूति राख मलते हैं तन पर, उसे बभूत कहते हैं। हमारे नागा बाबा नागा साधु बभूत लगाते, विस्मयकारी कुतूहल कर देने वाले, अचंभित असंभव जैसे कार्य जिससे हो उसे विभूति कहेंगे। विभूति विस्मय को कहते हैं, विभूति चमत्कार को कहते हैं। भगवान की विभूति माने भगवान की विद्या, महादेव की विद्या। एक बार पार्वती ने पूछा कि जैसा ऐश्वर्य लक्ष्मी के पास है, वो जो विभूति उनके पास है वैकुंठ में, वैसी विभूति तो आपके पूरे तन पे लिपटी हुई है, हर कण में वो वैसा सौंदर्य ऐश्वर्य है, पर उसके उसकी मूल सत्ता, उसका मूल तत्व कहाँ है, वो कहाँ रखते हो? वैसे आपने देखा होगा प्राय महंगी चीज लोग पोटली में रखते हैं, पुराने लोग घड़े में रखते थे, आजकल लॉकर में रखने लगे होंगे। महंगी चीज किस में रखते थे पहले? घड़े में। पार्वती ने कहा आपकी विभूति कहां रहती है? महादेव कहने लगे हमारी विभूति पिनाक के पास है, जहां हमारा धनुष रखा है जनकपुर में, वहीं हमारी विभूतियां हैं। तो वो वहां से भभूत लेने आते थे, हमारी सिद्धि रहे, पातिव्रत रहे, इंद्रत्व रहे, मैं सच्ची बने रहूं, मैं वरुण बना रहा हूं, मैं कुबेर बना रहा हूं, मेरा शासन चलता रहे।